ओके तो अब तक अपने बात कर रखी थी, हमने हमारा हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला हमने बेसिक ऑर्डर के बारे में पढ़ लिया, पर अच्छे से पूरा टॉपिक कैसे बेसिकली कंपेयर करते हैं हम, लाइक अमाइंस और एरोमेटिक अमाइंस। हाँ हमने सारी बातें कर ली है। और अभी हम आज करने वाले अपना नया जो नया टॉपिक अपना जो केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, जो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है उसका नाम है अल्कालेशन करके। क्लियर? तो चलिए सर वो हेडिंग मारो फटाफट। यहाँ पे हम बात करते हैं अपने अल्कालेशन के ऊपर। देखो जनरली यहाँ पे क्या होता है, अगर हम बात करें अल्कालेशन, तो बेसिकली अल्कालेशन मीन्स क्या कि एडिशन ऑफ सिंपल अल्काइल ग्रुप। हाँ अल्काइल ग्रुप का एडिशन होना अमाइन में, उसी का नाम होता है अल्कालेशन। तो वो रिएक्शन जिसमें अमाइंस में अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाए उसका नाम होता है अपना अल्कालेशन करके। तो यहाँ पे याद रखना कि बाय रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक अमाइन, अगर हम एलिफेटिक अमाइन का रिएक्शन करवा दें। यहाँ पे आपको क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर जो अल्कालेशन कैसे कराएं हम, तो करवाने का तरीका होता है एक्चुअली, हम यहाँ पे आर आई यूज करते हैं, अल्काइल हाइड करके, अल्काइल हलाइड। तो जो हमारा ये तरह का हमारा अल्काइल हाइड होता है, इसको यूज करते हैं। और इसके यूज करने से क्या होता है कि हमारे पास जो हमारा अमाइन है उसमें आर आके जुड़ जाता है। तो यहाँ पे बाई रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक अमाइन एंड एरोमेटिक अमाइन, ये रिएक्शन एरोमेटिकली भी वैलिड है, दोनों में हो रिएक्शन होगी यहाँ पे। हाँ प्राइमरी मेन विथ अल्कालाइट, विथ अल्कालाइट। तो क्या हो रहा है, जैसे हमने प्राइमरी लिया रिएक्शन कराया अल्कालाइट से, तो हमें मिल जाएगा सिंपल सेकेंडरी अमाइन। और क्या होता है, ये सेकेंडरी अमाइन मिलने के बाद मान लो अगर वापस आपने एक और मान लो आपके पास यहाँ पे C3 आई है, मतलब आपके पास मान लो एक और अल्कालाइट है, तो उसके बाद उसके साथ आपको वापस से टर्शियरी मिलेगा, मतलब ये रिएक्शन होती जाएगी। प्राइमरी आपने मान लो दिया, तो मान लो प्राइमरी से एक मॉलिक्यूल रिटर्न किया एक ने, फिर आपको मिलेगा सेकेंडरी, मान लो फिर वापस सेकेंडरी रिएक्शन किया मिलेगा टर्शरी, ऐसे करते करते आपको लास्ट में मिलेगा फाइनली अपना क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। सिंपल ये अपनी एक तरह की जनरल रिएक्शन होती है। अभी बात करें इसका रिएक्शन लिखना कैसे, तो सिंपल है। देखो ये आपका प्राइमरी मेन है, मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा ऐसे फॉर्म में लिखा है, मतलब एच मैंने यहाँ पे थोड़ा इस साइड से लिखा है जानबूझ के, ताकि आपको थोड़ा यहाँ पे अच्छे समझ में आ जाए। देखो इस पे होता है नेगेटिव होता है, इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और इस C2H5 पे पूरा अपना पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव होगा। हमने पढ़ रखा है कि देखो ये क्या होता है, ये जो नेगेटिव वाला है अपना, ये इस एस प्लस को लेकर निकल लेता है, और ये C2H5 है। हाँ बेसिकली ये यहाँ पे आके ज्वाइंट हो जाता है, सिंपल मतलब कि प्लस वाला माइनस चल जाएगा और माइनस वाला चल जाएगा प्लस के साथ इस तरह से, और यहाँ आपका माइनस में से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एच गायब है और यहाँ पे C2H5 लग गया है। तो आपको मिल गया यहाँ पे क्या, C2H5 के दो मोल यहाँ पे अटैच हो गए, मतलब एक तो पहले से था, एक आपने यहाँ पे ऐड करवा दिया इसकी हेल्प से। सही है। अब मान लो आप रिएक्शन हुई, वापस मान लो आपने एक मॉलिक्यूल लाया और उसको रिएक्शन कराया, अगेन वही सेम कहानी, ये एच क्या होगा, ये एच को ये आई लेके निकल लेगा बाहर, इस एच प्लस को जो अपना आई है वो क्या करेगा, लेके निकल लेगा बाहर। ये इससे प्लस चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव, और इससे पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होता है कि ये इसको लेके निकल लेता है बाहर, और हमारे पास यहाँ पे एच आई बाहर निकल जाता है विथ C2H5, विथ C2H5 थ्राइस, और यहाँ पे आपका आयन आता है सिंपल। देखो तो आप ज्यादा देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे सारे हाइड्रोजन गायब होते जा रहे हैं। अब क्या देखो होता है यहाँ पे, ये रिएक्शन वापस फर्दर होती है, फर्दर हमारे पास यहाँ पे C2H5 आता है और यहाँ पे आई होता है। सिंपल हमें पता है अच्छे से कि यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या बोलते हो, सही है सिंपल। तो क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये लोन पे एक्चुअली इसके पास आ जाते हैं, और ये बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पे आई माइनस अलग हो जाता है थोड़ा सा, और आपको यहाँ पे मिलता है ऐसा कुछ है C2H5, और यहाँ पे चार हो जाते हैं मोल, मतलब चार आपके पास हो जाते हैं मॉलिक्यूल, और इस पे आता है प्लस चार्ज, और क्योंकि आई माइनस यहाँ पे अकेला है और यहाँ पे एन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ आपके पास एक काउंटर आयन आता है, और इसी को बोलते हैं सॉल्ट करके, सॉल्ट। बहुत सिंपल है, ध्यान देना, आपको डाउट जा रहा है फिर भी तो ध्यान देना। यहाँ पे देखो हमने पहले क्या किया, पहले हमने NH और ये एच बॉन्ड को तोड़ा, तो ये एच चल गया आई के साथ, तो आपको मिल गया पहला एच आई, मिल गया आपको यहाँ भी, आपको मिलेगा यहाँ पे, हाँ मिलेगा आपको यहाँ पे एचआई। फिर सेकंड अगेन यहाँ पे एक और एच गया आई के साथ चल गया, फिर ये C2H5 यहाँ पे आके लग गया, तो आपको मिल गया यहाँ पे सिंपल अपना वापस से ये सेकेंडरी में, फिर टर्शरी। देन क्या होता है, देन फोर्थ वाले केस में हमारे पास इसका नाम होता है क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यही रिएक्शन लिखूं सिंपल, देखो ये रिएक्शन ना आप यहाँ पे C2H5 के बजाय कुछ भी ले सकते हो, यू कैन टेक एनी, कोई भी ले उसका अल्कालाइड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही रहेगा आंसर। हाँ बट अगर बात करूँ सिंपल में यहाँ पे एरोमेटिक ले, उसमें कैसे करें, देखो एरोमेटिक में सेम कहानी है, पूरा सेम है पूरा। जैसे मान लो मेरे यहाँ पे हमारे पास मान लो कुछ ये इस टाइप का अमाइन है, सिंपल क्या किया हमने यहाँ पे लाया अपना CH3 आयन लाया मान लो,
मैं यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आपको थोड़ा अच्छे समझ आए। अगेन भाई क्या होगा देखो, पहले इसके एच जाएंगे एच, जैसे इस पे क्या होगा देखो, इस नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है वो गायब हो जाएगा, और वहां पे क्या हो जाएगा अपने पास, वहां पे अपने पास एन एच और ये शेष से आके लग जाएगा पहले, सही है, यहाँ आपका एच बाहर आ गया, मतलब कि ये आई ने और यहाँ का एक एच था वो बाहर निकल चुका है एक्चुअली। फिर अगेन यहाँ पे हमारे पे एक बचा एक एच, देखो जो ऊपर हुआ वही सेम एच भी हो रहा है आपका, अगेन यहाँ पे एच आई शेष थ्री आई आएगा, और क्या होगा आपको वापस यहाँ पे माइनस से बाहर निकल आएगा, और ये आपके पास कुछ इस तरह से आ गया एन सी एस थ्री और यहाँ भी सी एस थ्री। अब देखो अब नाइट्रोजन के पास देने के लिए कोई हाइड्रोजन नहीं है, बटा बट सी एस थ्री यहाँ मौजूद है, तो क्या होगा कि सी एस थ्री पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो बॉन्ड है देखो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है सी एस थ्री पे, तो ये लोन पेयर यहाँ पे आते हैं और ये बॉन्ड टूट जाता है और आपको यहाँ पे मिल जाता है सॉल्ट। सॉल्ट कैसा होता है देखो, सिंपल सॉल्ट है, और सॉल्ट का मतलब सिंपल ये कि वो कंपाउंड जिसमें प्लस माइनस साथ में हो, कुछ इस तरह से मतलब कैटायन में दिखे, तो उसको बोलते हैं सॉल्ट बेसिक भाषा में। तो यहाँ मेरे पास एन सी एस थ्री, यहाँ भी सी एस थ्री और यहाँ भी सी एस थ्री आ गया, और इस पूरे पे आता है प्लस चार्ज, इस पे नाइट्रोजन प्लस चार्ज है यहाँ पे नाइट्रोजन पे, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे साइड में आपका आता है ये माइनस, इसको बैलेंस करने के लिए इसको बोलते हैं कि हम काउंटर आयन करके, तो ये आपका बन गया अपना बेंज अपना क्वेटनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वेटनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या आपको इतना क्लियर है कि नहीं? आपको अगर मैं बताऊँ कुछ क्वेश्चन करने के लिए करें, थोड़े से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, दो एक दो क्वेश्चन, जैसे लेट से मेरे पास मान लो कंपाउंड में क्वेश्चन दूं, लेट से वी हैव दिस कंपाउंड कुछ इस तरह से एन एच टू, मान लो बोलूँ आपको मैं हमारे पास मान लो यहाँ पे, हाँ लेट से आपको देखो एग्जाम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमें कितना अल्काइलाइड यूज करना है, लेट से मेरे पास यहाँ पे सी टू एच फाइव आई है, बताओ यहाँ पे क्या बनेगा क्वेश्चन मार्क। सिंपल क्या करना है हमें, हमें सिंपल यहाँ पे इसका एक एच गायब करना है, जैसे कि इसके पास दो एच है, अगर मैं इसको लिखूँ खोल के, हाँ फैला के ऐसे जैसे चटाई फैला दें कुछ उस तरह से, तो क्या होगा कि हमारे पास जो ये आई है, ये आई माइनस, ये आई क्या करके एक 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 एच लेके निकल लेगा, और जो ये नाइट्रोजन है ये आके इसको ले लेंगे, मतलब कि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लस माइनस का एक्सचेंज हुआ यार। आपको ये एरो समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल ध्यान दो यहाँ पे कि इस पे प्लस चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इससे प्लस चार्ज है, ऐसा इससे इस पे कितना है, इससे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, बस अब क्या करो यहाँ पे प्लस माइनस को एक्सचेंज करा दो, तो आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह से कंपाउंड आ जाएगा, हाँ जो कि आपका सेकेंडरी अमाइन होगा कुछ इस तरह से, ये बेंजीन रिंग और यहाँ पे एन एच ऐसे का ऐसे, और एच के बदले आपको लिखना है सी टू एच फाइव, दैट्स इट। इतना आसान कहाँ मिलेगा यार बताओ, और आपको यहाँ पे मिलेगा आपको एच आई करके, क्योंकि तो ये जो एच है हाँ पिक्चर में वो भी है ना, पिक्चर में एच भी आई भी है, तो क्या करेंगे दोनों आपस में कंबाइन होएंगे। इस तरह से आपका ये टॉपिक खत्म होता है अल्कालेशन करके। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे हम अपना असाइलेशन के ऊपर, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक आपका होता है यहाँ पे असाइलेशन का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपको इतना अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम असाइलेशन के ऊपर, तब तक के लिए बाय।